हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जनवरी 2022 सेशन के लिए नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपका री रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ है या फिर नहीं, इसको आप कैसे चेक कर सकती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करती है। आपका री रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको इसी वाली वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है, यहाँ से इस बॉक्स को टिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो आपका यूजर नेम है यानी कि जो इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड आएगा यहाँ पर डालेंगे और लॉग इन पर क्लिक करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने जिस भी सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन किया होगा वो यहाँ पर अगर लिखा हुआ आता है और यहाँ पर स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका री रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ आपका जो भी प्रोग्राम कोड है यानी कि प्रोग्राम का पूरा नाम लिखा हुआ आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपके कोर्स का सभी डिटेल्स आ जाएगा। आपने जिस भी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है अगर वो सेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है अगर वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल है यहाँ पर आपको क्यों नहीं दिखाया जाता है। तो देखिये, जब भी आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ जो स्टूडेंट पोर्टल पर आपका जो डिटेल्स है उसको यहाँ स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर अपडेट होने में टाइम लगता है। आपने जो यहाँ पर अभी री रजिस्ट्रेशन किया है जिस भी सेशन के लिए, जब भी आप री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके तकरीबन 2 महीने बाद जो आपका डिटेल्स है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर यहाँ पर अपडेट किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन जो आपका डिटेल्स है वो जब यहाँ पर अपडेट किया जाता है तो यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया जाता है कि कब आपने री रजिस्ट्रेशन किया है और क्या क्या सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है। जब यहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और साथ ही में जब आप री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री चेक करते हैं और अगर यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है और पेमेंट स्टेटस में फीस नॉट पेड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बाकी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए आपको चैनल पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर सबमिटेड लिखा है, आपका री रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो कंफर्मेशन है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कभी भेजा जाता है और कभी नहीं भेजा जाता है। तो अगर आपके पास कन्फर्मेशन नहीं आया है तो इससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपका फीस आपके अकाउंट से कट हो चुका है तो इसका मतलब आपका री रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर री रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स भेजा जाता है तो कुछ इस तरीके से भेजा जाता है जिसमें कि यहाँ पर सेशन भी लिखा हुआ रहता है कि आपने कौन से सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो री रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आपका स्टडी सेंटर चेंज कर दिया जाता है। अगर आपका स्टडी सेंटर चेंज किया जाता है तो मैसेज में आपको इस तरीके से बताया भी जाता है कि आपको अभी कौन सा स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है, कौन से ईयर या फिर सेमेस्टर के लिए। और इसके अलावा अगर आप दिल्ली रीजनल सेंटर 2 के स्टूडेंट है तो अगर आपका स्टडी सेंटर चेंज किया जाता है तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप चेक कर सकते हैं कि अभी आपको कौन सा स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर डाल करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी आपको कौन सा स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है। जो भी स्टडी सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा उसी पर आपको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।